हेलो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्री सुपरस्टार। तो ये हमारा भी पार्ट टू है मेज़ का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ टेसल। तो टेसल, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इट इज़ अ ब्रांच पेनिकल बेयरिंग ऑफ पॉलन और स्टेमिनेट इन्फ्लोरेसेंस। मीन्स ये एक ब्रांच्ड पेनिकल होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। मीन्स टेसल सिंपली एक क्या होता है, हमारा मेल पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल इन मेज, जो फीमेल पार्ट या स्टाइल जो होता है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट। अब जो स्टाइल होता है, जैसे नॉर्मल फ्लावर में तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल, लेकिन इसमें एक लॉन्ग सिल्की, बहुत ही रेशम सिल्की, बहुत ही एकदम आपका स्मूथ फिलामेंट टाइप का होता है। आपने देखा होगा, अभी आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा इसकी। व्हाट इज़ सिल्क। अब जब आप सिल्की फिलामेंट की बात कर रहे हैं तो सिल्क क्या है, तो सिल्क एक फीमेल हेयरी क्लस्टर है, इज कॉल्ड एज सिल्क। सिंपल सी बात है कि वो एक सिल्की हेयरी क्लस्टर है जिसको हम सिल्क कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ द फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड, जो फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम एयर और कॉब भी कहते हैं या सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। एयर हो गया, कॉब हो गया, सिल्क हो गया, दोस्तों एक ही बात है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट, एयर और कॉब कम्स आउट फ्रॉम, ये कहाँ से कम आउट, इट कम्स आउट फ्रॉम मोड नोड जनरली हाफ वे ऑन द स्टेम। ये जो आपने कभी नोटिस किया होगा, जो सिल्क या कॉब या एयर है, ये हमेशा कहाँ से निकलेगा दोस्तों, ये हमेशा निकलेगा आपके एयर, आपका जो कॉब है वो हमेशा नोड से निकलेगा और हाफ वे नियर द स्टेम, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो दोस्तों कि ये क्या है, हमारा सिल्क है। इस सिल्क में देखो, ये जो है ना, यही है वो जो स्टाइल होता है, लॉन्ग सिल्की फिलामेंट, और ये हमेशा नोड के बगल से निकलता है दोस्तों, ठीक है। ये बात आप याद रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, एयर और कॉब और सिल्क, जो फीमेल पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाई, जो आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेड है वो किसने कंसीव्ड किया था, किसने दिया था आइडिया। आइडिया दिया था हमारा ईस्ट एंड शल, SM ईस्ट एंड GH शल ने 1910 में दोस्तों, ठीक है, 1910 में दिया था, ईस्ट एंड शल ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज टेक्निक यूज इन, किसमें यूज की गई, यह यूज की गई हमारी सिंगल क्रॉस टेक्निक अमंग द इनब्रिड लाइन्स। सिंगल क्रॉस टेक्निक था इस टेक्निक का नाम, और इनब्रिड लाइन में यूज़ किया गया, ठीक है। हाइब्रिड मेज की जो टेक्निक थी, उस टेक्निक का नाम था सिंगल क्रॉस टेक्निक, और ये यूज़ की गई थी हमारी इनब्रिड लाइन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इनब्रिड लाइन क्या होता है, ठीक है। अब इनब्रिड लाइन होता है, ठीक है, चलो मान लिया। अब वो होता क्या है, वो क्या होता है, इट इज़ अ प्योर लाइन डेवलप्ड बाई सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, एंड सेलेक्शन अंटिल अपेरेंटली होमोजाइगल प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। मीन्स ये प्योर लाइन क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन से डेवलप की जाती है, और उसके बाद उसमें सेलेक्शन किया जाता है। मीन्स सेलेक्शन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से आपने डेवलप किया, ठीक है, आपने क्या करा कि सेल्फ पॉलिनेट कराया, उसे प्योर लाइन हो गई। अब उसके बाद क्या करा आपने कि उसका सेलेक्शन किया, मीन्स आपने कॉमन फीचर्स देखे, प्लांट हाइट, लीफ लेंथ, सब सेम है, तो आपने सेलेक्ट करके फिर उसके बाद अपेरेंटली होमोजाइगस प्लांट्स, जो ऑल ओवर होमोजाइगस है, मतलब जिसमें सेम पेयर ऑफ एलील्स है, तो उन प्लांट्स को आपने ऑब्टेन कर दिया, वो होते हैं हमारे इनब्रिड लाइंस, ठीक है। डबल क्रॉस टेक्निक्स फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, डबल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि डबल क्रॉस टेक्निक किसने दी थी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो डबल क्रॉस टेक्निक थी वो थी DF जोन्स ने 1920 में, और जो आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज दिया था वो GH शल ने और ईस्ट ने दिया था 1910 में, और डबल क्रॉस टेक्निक्स DF जोन्स ने 1920 में दी थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप एयर भी याद रखना और इसका डिफरेंस भी याद रखना, ठीक है, किसने कब दिया था और क्या दिया था, ठीक है। जैसे इनब्रिड हाइब्रिड मेज ईस्ट और शल ने, और डबल क्रॉस टेक्निक DF जोन्स ने। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट डबल क्रॉस टेक्निक आर मोस्टली यूज्ड इन, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा डबल क्रॉस टेक्निक यूज़ हो रही है, सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है इंडिया में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द एंडोस्पर्म कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कैरेक्टर वॉज डन बाई एंडोस्पर्म के कैरेक्टर्स पे, मतलब उसका एंडोस्पर्म जो है वो किस कैरेक्टर, किस शेप का है, किस टाइप का है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, उस पे बेस्ड आपको जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था हमारे श्योर टी वेंट 1899 में दोस्तों। तो उन्होंने उस समय ही उसको क्लासीफाई कर दिया था कि
इतने इतने टाइप के मेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंडोस्पर्म, श्रूट इवेंट ने 1899 में। अब श्रूट इवेंट ने क्लासिफाइड मेज इनटू हाउ मेनी ग्रुप, कितने ग्रुप में उसको क्लासिफाई किया था, उसने किया था 7 ग्रुप्स में। ठीक है, तो 7 टाइप के हमारे मेज होते हैं, जैसे कि हमें पता ही है, हमने बुक्स में पढ़ा है कि 7 टाइप के मेज होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा डेंटकॉन। अभी एग्जाम में इसका नाम, साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं कि द साइंटिफिक नेम ऑफ डेंटकॉन इज, या साइंटिफिक नेम ऑफ पॉडकॉन इज, या साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लोरकॉन इज, ऐसे करके वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ईजी भी है याद करने के लिए। अब याद करने के लिए ईजी इसलिए है क्योंकि देखो डेंटकॉन इज जी मेज, तो जी मेज तो है ही इसका नाम आइडेंटाटा। अब इसमें देखो डेंट आ रहा है ना, और डेंट कौन ही है ये, तो आइडेंटाटा। और ये डेंट मतलब जो टूथ होता है ना, आपने डेंट कौन को देखोगे आप, तो इसका दांत का जैसे शेप होता है, उसके जो बीज होता है ना, उसमें उसमें अंदर एक गड्ढा भी होता है, और वो सेम ऐसे लगता है जैसे दांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लिंट कॉर्न, ये जी मेज इंड्यूराटा, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न सेकेराटा, जी मेज सेकेराटा। अब देख सेकेराटा तो ये शुगर से आ रहा है ना, इसमें सेकेराटा, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, सेकेराटा हो गया। अब फ्लोर कॉर्न जी मेज अमाइलिशिया, तो हमें ये याद होने चाहिए सबके सब कि फ्लोर कॉर्न जी मेज अमाइलिशिया हो गया, स्वीट कॉर्न हमारा जी मेज सेकेराटा हो गया, और हमारा फ्लिंट कॉर्न जी मेज इंड्यूराटा हो गया। ठीक है, डेंट कॉर्न हमारा जी मेज आइडेंटाटा हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो अब ये देखो ये फिगर है, इसमें देखो ये देखो ग्रुप्स देख रहे हो, ये ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये इसीलिए इसको डेंट कॉर्न बोला जाता है क्योंकि इसमें ग्रुप्स होते हैं और ये दांत जैसा दिखता है। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न अलग अलग फ्लिंट कलर का, पॉपकॉर्न ऐसा होता है, स्वीट कॉर्न सेकेराटा थोड़ा लाइट येलो कलर का होता है, पॉडकॉर्न थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट, वैक्सीकॉर्न में वैक्स की लेयर होती है, तो इसके तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पॉपकॉर्न जी मेज इवर्टा, ठीक है, वैक्सीकॉर्न जी मेज सेरेटिना, देखो सेरेटिसिना, ये सेरेटिना आपको लग रहा है कुछ स्किन से रिलेटेड है ना, इसीलिए इसको सेरेटिना बोला है। वैक्सीकॉर्न पॉडकॉर्न जी मेज ट्यूनिकाटा, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, पॉडकॉर्न ट्यूनिकाटा सेरेटिना इवर्टा। तो ठीक है दोस्तों, पॉपकॉर्न आपका क्या होगा, इवर्टा होगा, जो हम खाते हैं डेली वो इवर्टा की स्पीसीज खाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है सीड रेट। ठीक है दोस्तों, सीड रेट ऑफ कंपोजिट मेज इस खरीफ सीजन इज 15-20 केजी सीड्स पर है। कंपोजिट एक मेथड होता है आपका सीड बनाने का, कंपोजिट और सिंथेटिक, तो उसी में ही आप कंपोजिट मेज को 15-20 केजी सीड्स पर हेक्टेयर लेते हैं। सीड रेट फॉर हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज के लिए 25, थोड़ा ज़्यादा। सीड रेट फॉर फॉर्डर, आप फॉर्डर के लिए तो और ज़्यादा लेंगे ना, हमें ग्रेन से तो मतलब है नहीं, तो हमें किससे मतलब है, हमें उसके फॉर्डर से, हमें उसके जो उसका फॉर्डर है, जो हम कैटल को फीड करेंगे, हम किसी को भी फीड कराएंगे, चाहे हम आपका पोल्ट्री में बहुत अच्छा होता है मेज। ठीक है, तो 40-50 केजी पर हेक्टेयर, 40-50 केजी पर हेक्टेयर हम लेते हैं। ठीक है, अब रो इंटर रो इंटू प्लांट डिस्टेंस कितनी होती है, 60x20 सेंटीमीटर, कितनी होती है 60x20 सेंटीमीटर, मतलब 60 प्लांट रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि बड़ा प्लांट होता है काफ़ी, इसलिए 60x60 लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि आपका सीड रेट कंपोजिट मेज का कितना होना चाहिए, 15x20, हाइब्रिड का 25, और आपका फॉर्डर का 40-50। ये सीड रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटर फॉर मॉइस्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट पार्ट टू व्यू, जो हमारा क्रिटिकल स्टेज है वाटर का आपका किसके लिए, क्रिटिकल स्टेज हमारा टैसलिंग और सिल्किंग स्टेज है दोस्तों। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, टैसलिंग और सिल्किंग, मतलब जब उसका टैसल बन रहा है, जब उसका सिल्क बन रहा है, तो उस समय मेल और फीमेल पार्ट जब बन रहे हैं ना, तो उस समय पानी होना चाहिए उसमें। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन फॉर मेज या मैच द कॉल, मैं 3-4 क्रॉप दे देंगे, आप क्रिटिकल स्टेज दे देंगे, तो आपको मैच करना होगा। ठीक है दोस्तों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऐसे करके। नेक्स्ट हमारे पास है सूटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ जी मेज, कितना टेम्परेचर, 32, और जर्मिनेशन के लिए 21, और ग्रोथ के लिए 32। ठीक है दोस्तों, कॉमनली यूज हर्बिसाइड इन मेज सीमा जीन 0.5-1 के जी, कॉमनली यूज हर्बिसाइड, जो वीड्स होती हैं मेज में उनको किल करने के लिए हम कौन सा हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं, हम सीमा जीन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज। अब हाइब्रिड वैरायटीज संगम एंड गंगा सफ़ेद, दीज आर द टू हाइब्रिड वैरायटीज। दिस यू शुड ऑल्सो रिमेंबर, दिस संगम एंड गंगा सफ़ेद आर द हाइब्रिड वैरायटीज। नेक्स्ट, ये तो हमने कर ही लिया है, डबल क्रॉस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज TF जोन्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास वन मेज प्लांट फर्स्ट अपेयरेंस। अब मेज प्लांट पे क्या होता है, पहले क्या आता है, पहले आता है हमारा टेसल्स। ठीक है, प्रोटोगाइनी प्रोटोएंड्री होता है उसमें, सॉरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि प्रोटोगाइनी होता है, तो प्रोटोगाइनी नहीं होता दोस्तों, उसमें प्रोटोएंड्री होता है, इसीलिए उसमें मेल पार्ट है जो पहले आ जाता है, तो इसको हम प्रोटोएंड्री कहते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज क्रॉप इज, ये हमने कर दिया है 500 to 800 मिलीमीटर। रबी मेज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन बिहार, रबी मेज कहाँ ग्रो करते हैं, बिहार में। वाइट बर्ड इन मेज ड्यू टू जिंक, जो इसकी एपिकल लीव्स हैं वो वाइट हो जाती है। वाइट बर्ड मेज किस में होता है आपका, मेज सॉरी वाइट बर्ड ऑफ मेज किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये होता है हमारा जिंक की डेफिशिएंसी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन मेज कैरेक्टराइज बाई स्टंटेड ग्रोथ, लीफ टिप्स एंड मार्जिन्स आर पर्पलिश एंड सॉरी फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन मेज, फॉस्फोरस जो डेफिशिएंसी होती है वो कैसे उसमें कैरेक्टराइज करते हैं, वो हम कैरेक्टराइज करते हैं स्टंटेड ग्रोथ से, लीफ टिप्स में मार्जिन में पर्पलिश ग्रोथ हो जाती है और डार्क ग्रीन लीफ कलर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का मेज का इतना ही है, और वैराइटीज आप खुद से लर्न कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।